कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से धार्मिक नगरी अजमेर का मिजाज ही बदल गया। अब ख्वाजा साहब की दरगाह में खिदमतगार नजर नहीं आ रहे हैं। इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब दरगाह जैसे बड़े धार्मिक स्थल की स्थिति ऐसी हुई हो। धर्म न देखने वाले कोरोना वायरस ने सबको एक समान कर दिया। जायरीन के बगैर जो हाल दरगाह बाजार में दिखे, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दरगाह बाजार के दोनों तरफ लगी दुकानें भी पूरी तरह बंद हैं और सड़कें सुनसान नजर आई। जो खादिम दरगाह में ख्वाजा साहब और जायरीन की खिदमत करते थे, वो अब दरगाह परिसर के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। जिला प्रशासन ने जहाँ दरगाह में जायरीन का प्रवेश बंद करवाया है, वहीं जायरीनों का प्रवेश फिलहाल 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। जो लोग कभी दरगाह में जियारत के लिए आए हैं, उन्हें पता है कि दरगाह के अंदर का हाल कैसा होता है। दरगाह में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती, लेकिन अब वही दरगाह एकदम सूना पड़ा है, न जायरीन और न खादिम। खादिमों के संस्थान जुवन के सचिव वाहिद हुसैन अंगार शाह ने बताया कि प्रशासन ने आपसी सहमति से कुछ खादिमों को मजार शरीफ पर खिदमत की अनुमति दी है। मजार शरीफ पर पहले की तरह खिदमत का काम हो रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राष्ट्रदीप जी के निर्देशन में सरकार द्वारा और जनता कर्फ्यू के तहत पूरे अजमेर में समर्थन मिल रहा है और पूर्ण रूप से जो पालना की जा रही है। किसी अप्रिय घटना की कोई नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। जनता कर्फ्यू जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आज आह्वान किया था, तो अजमेर की जनता और दरगाह एरिया की जनता का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। पुलिस बराबर गश्त पे भी है और जो भी आमजन घूमने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी हम लोग समझा रहे हैं, समझाइश की जा रही है बराबर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में जनता कर्फ्यू बेहद सफल साबित हो रहा है। आज सारे देशवासियों को मेरा नमस्ते और सलाम। आज का दिन 22 मार्च को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पूरे देश में शांति और अमन से ये जनता का जो कर्फ्यू लगाया है, ये साथ खैरियत से देश के अंदर अच्छा और हित साबित हुआ है। और हमारे राजस्थान में भी इसका बहुत बहुत सहयोग, प्रशासन ने, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने और डॉक्टर हजरात ने इसका बहुत अच्छा जनता के साथ सहयोग किया है। इसका मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। तारागढ़ के ऊपर भी हमने दरगाह शरीफ को बंद रखा है, किसी जायरीन को आने नहीं दिया है यहाँ पे ज़ियारत के लिए। बाहर के जो गुद्दाम हजरात हैं उन्होंने खिदमत की है। बस दूसरे तारागढ़ के ऊपर जितने भी तारागढ़ के वासी हैं, उन्होंने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और देशवासियों के लिए घरों में भी इक्का दुक्का आदमी मस्जिदों में जाके भी नमाज अदा करी और दुआ की है। हमारे यहाँ के जो मौलाना हैं पेशनमा साहब, उन्होंने भी दुआ की है। और कमेटी और पंचायत खुद्दाम जादगान ने भी इसका बहुत बड़ा ताउन किया है, सहयोग किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से तो सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा और बढ़िया, बहुत अच्छा दिन रहा आज का दिन 22 मार्च। जनता का कर्फ्यू कामयाब हुआ, इसके लिए हम पूरे प्रशासन का तहे दिल से, पूरी तारागढ़ की बस्ती की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए दुआ करते हैं।